दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए IAS इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कैंडिडेट जवाब देती है, सर कल्पना चावला। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर बंगला भाषा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर मोहनदास करमचंद गांधी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर जयपुर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर 14 सितंबर को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस भारतीय राज्य को अक्सर पांच नदियों की भूमि कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर पंजाब को पांच नदियों की भूमि कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी क्या चीज है जिससे हम जितना काम लेते हैं वह उतनी ही बड़ी होती जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर हम बुद्धि से जितना काम लेते हैं वह उतनी ही बड़ी होती जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो खाने से पहले नहीं दिखती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर वह ठोकर है जो खाने से पहले नहीं दिखती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन है जो हमारे घर की महिलाओं के सामने सीटी बजाता है और हम कुछ नहीं कह पाते? कैंडिडेट जवाब देती है, सर प्रेशर कुकर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चांद पर दूसरा कदम किस व्यक्ति ने रखा था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला और दूसरा दोनों कदम दोनों रखे थे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा डाकघर है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर भारत देश में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस भारतीय को ट्विटर ने अपना नया CEO नियुक्त किया है? कैंडिडेट जवाब देती है, पराग अग्रवाल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हमारे पास दो आंखें हैं तो हम केवल एक समय में एक ही चीज क्यों देख पाते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर हम अपनी आंखों से नहीं दिमाग से चीजों को देख पाते हैं, और दिमाग के हिसाब से ही आंखें काम करती हैं, और दोनों आंखें एक साथ एक चीज पर टारगेट करती हैं। दोनों आंखें उस चीज की धुंधली अलग छवियां बनाती हैं और दिमाग उसे एक करके सही रूप में दर्शाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन है जिसे डूबते देख कोई बचाने नहीं आता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर सूरज। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है,
आप बताइए कि गोरी से गोरी औरत की भी एक चीज काली होती है, बताइए कौन सी? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो सुबह में हरी, दोपहर में काली, शाम में नीली और रात में हरी दिखाई देती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, बिल्ली की आंख। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, संजना की चार बेटियां हैं, चारों बेटियों के एक एक भाई हैं, बताओ संजना के कितने बच्चे हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पांच। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन है जो हमेशा पीटने के लिए ही बना है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, ढोल। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक आदमी ने उंगली से छह लोगों को छह सेकंड में ऊपर पहुंचा दिया, वो स्पाइडरमैन नहीं था, सुपरमैन भी नहीं था और मैन भी नहीं था, तो बताऊं वह कौन था? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, लिफ्टमैन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास अनेक चाबियां होती हैं लेकिन एक भी ताला नहीं खुल सकता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, एक पियानो। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो जून में होती है, दिसंबर में नहीं, आग में होती है, पानी में नहीं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, गर्मी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा शहर है जिसके नाम में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाओं के शब्द आते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अहमदाबाद। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक अंधा व्यक्ति क्या देख सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अंधेरा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो लोग अपनों से ज्यादा दूसरों का लेते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, नाम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सी चीज है जो बनाने वाला बेच देता है, खरीदने वाला इस्तेमाल नहीं करता और जो इस्तेमाल करता है उसको मालूम नहीं होता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, कफन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, लड़कियों की शर्ट में जेब क्यों नहीं होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, दरअसल लड़कियों की शर्ट में जेब ना होने का कारण है उनकी सुंदरता। यदि लड़कियों की शर्ट में जेब होगी तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर रखेंगी जिससे उनकी सुंदरता में कमी आ जाएगी, इसलिए लड़कियों की शर्ट में जेब नहीं होती है।